भुट्टा ले लो, ताजा ताजा भुट्टा ले लो, बढ़िया भुट्टा। संडे को आ रहा, भूल गया? लोगों को वादा करते हो तो भागे भागे जाते, लेकिन मंजूरी कोई नहीं लगती ना तुम्हारी। क्यों कन को जुरा? ए, घर कौन आएगा? कोई नहीं है। ये कौन बोल रहा? भुतरी? ये कहाँ कुछ चले आ रहे हो? कौन है तुम? और ये क्या बदमाशी कर रहे हो? ए, बदमाशी नहीं, बदतमीजी करने आऊँ मैं। क्या बदतमीजी करोगे? पहले मैं तेरे होठों को रगड़ूंगा, फिर तेरे गले के नीचे काटूंगा, फिर कमर ना नोचना, फिर चोट असर रेप। यहाँ ठीक है, कर लो। आई चमायला बेशरम बेहया बेगरत, हिला दिया ना मेरे को। एक कन खजूरे पगड़ी बांध कर मुझे तान कर आ गए तो समझ ले मैंने भेजा लूंगी। चल निकाल इसे। पोरगी पटली रे पटली। ऐसे होलिया क्यों बनाए तुमने? मंजरी, इस वक्त मैं सीएम नहीं हूं, बस तुम्हारा शिवाजी हूं। ना कोई फाइल, ना किसी से मिलना, ना बंसल, ना पुलिस, ना टोपी। आज मैं सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूंगा। सच बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पहले मैं खाना खाऊंगा, बहुत भूख लगी है। ओफो, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे लिए पूरी और खीर बनाई थी, तुम आए नहीं, इसलिए गुस्से में बकरी को डालाई। अब तो सिर्फ कल की बासी रोटी बची है। अरे बहुत है रे। लेकिन साथ में कुछ नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, और क्या चाहिए? मेरी मंजरी, आज मैं बहुत खुश हूँ मंजरी। लेकिन हफ्ते में दो संडे होते तो कितना मजा आता नहीं? तुम तो सीएम हो, तुम्हारे ऊपर कौन है? तुम जितनी चाहे छुट्टी ले सकते हो, कौन रोकेगा तुम्हें? नहीं मंजरी, पब्लिक है ना मेरे ऊपर, मैं तो उनका नौकर हूँ। चोचीट मैं नहीं, तुम हो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे अड़ियल बाबा हमारी शादी की बात करने के लिए तैयार हो गए। चलो चले मितवा, जल्दी जल्दी शादी कर ले छोटे छोटे। सॉरी सर, आपकी इजाजत नहीं थी, फिर भी आपकी जान बचाना मेरा फर्ज है। थैंक यू। लुक आउट सर, डाउन, बैक जल्दी, डाउन, अटैक। मंजरी बेटा, ये हमारे साथ है, हमारे साथ है। अंडर कंट्रोल, आप बाहर आ सकते हैं। ये लोग यहां तक पहुंच जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। बेटा ऐसी जिंदगी जिसमें हर पल मरने का डर हो वो तुम चुन सकते हो, लेकिन मुझे और मेरी बेटी के लिए ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। चलो बेटा। बाबा,
अगर तुम्हें अभी भी इससे शादी करनी है तो इससे कहो कि ये सब कुछ छोड़कर एक आम आदमी की तरह तुम्हारे पास आ जाए, वरना जिंदगी भर घर में बैठी रहो। मैं तुम्हें कुंवारी देखकर सह लूंगा, लेकिन विधवा नहीं देख सकता बेटा। चलो क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? पैर तो मुझे दबाने चाहिए आपके, उल्टा आप मेरे। बेटे तुझे छुकर तसल्ली कर रहा हूं कि तू जिंदा है, पर पैर दबाने की क्या जरूरत है? पैर छोड़िए प्लीज। बचपन में नहीं दबाता था, दूसरों के लिए कितना कुछ करता है, कितने टेंशन में रहता है तू। तू थोड़ी देर के लिए सो जा बेटे, सो जा, सो जा। लपा ऊपर। मेहंदी, मेहंदी लगा रही थी बेटे, लगा तू? हाँ माँ। तुम्हारी गोद में लेटे समाना हो गया। ऐसा नहीं हो सकता कि इसी तरह सारी जिंदगी लेटा रहूं तुम्हारी गोद में, ना सीएम, ना कोई सिक्योरिटी, ना टेंशन। जिंदगी में भी वीसीआर की तरह रिवाइंड बटन होता तो कितना अच्छा होता। हाँ। क्या हो मां, तुम रो क्यों रही हो? इतना दूर चला गया है तू, कितना कुछ कहना होता है तुझसे, पर तू मिलता ही नहीं। कहो मां क्या कहना है? बोलो माँ। क्या कहूँ मैं, तेरी शादी करनी है बस। मंजरी के पापा ने क्या कहा? कुछ नहीं माँ, उन्होंने पापा फोन बंद कर दीजिए प्लीज। एक दिन तुम और पापा। मेरे बंसल साहब का फोन है, जरूरी काम होगा। इनको रात को भी चैन नहीं। हेलो 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 बंसल साहब, बंसल साहब यहाँ सिग्नल ठीक से नहीं, मैं बाहर से बात करता हूँ, आपसे होल्ड कीजिए। हेलो बंसल साहब, हेलो हेलो हेलो, हाँ आप सिग्नल ठीक से आ रहा, बोलिए। हेलो, इंटेलिजेंस का रिपोर्ट, आपके घर में बम है क्या? मेहंदी लगा रही थी बेटे, लगा तू? तुम्हारी मेहंदी सूखी भी नहीं यार। पापा की घड़ी। जिंदगी में भी वीसीआर की तरह रिवाइंड बटन होता तो कितना अच्छा होता। ए, मेरी जगह ले ली तूने, बड़ा किस्मत वाला है। शिवाजी राव,
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों की प्राणों की रक्षा करूंगा। क्या बिगाड़ा था मेरे माँ बाप ने तुम्हारा? क्या किया था उन्होंने जो उन्हें मार डाला? वापस लाकर दे सकता उन्हें? बोल, लाकर दे सकता उन्हें? महीनों बाद में मेरे माँ बाप के साथ बैठा था, उनसे बातें कर रहा था। पापा मेरे पांव दबा रहे थे, मेरी माँ मेरे हाथों में मेहंदी लगा रही थी। मैं बस जरा सा फोन करने बाहर गया था, इतने में उनके मास्क के लोथ पड़े हुए थे चारों तरफ। लोग अपने मरे हुए को जलाते हैं, दफनाते, मैं उन्हें धोकर आ रहा हूं। सब इस कमीने की वजह से, इस कमीने की वजह से। तुम क्या समझते हो सीएम बने रहना इतना आसान है? ये जो बड़े बड़े 30 मारी के काम किए हैं ना तुमने लोगों का हीरो बनने के लिए, हो सकता है किसी उग्रवादी, किसी धर्म अधिकारी या किसी नेता को तुम्हारे काम अच्छे ना लगे हो और उसने तुम्हारे माँ बाप। नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया धरा मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। बाल बिगाड़ के चला गया सारा, जरा कंघी देना तो।